और
பார்த்தீங்கன்னா சூக்கே குறிப்பிட இலாய பிரமாயிருக்கு இதை பத்தேடாங்க பேருன்னா ஏடா பத்தா சைடு நாங்கள் ஊசுறேன் எல்லா தலைக்கு இந்த குணாயின் சாக்கு और वजू के बाद पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वजू रख से फरिश्ते होने दे क्या नहीं सकते सुभान अल्लाह कितनी माशाल्लाह शान है
अभी हदीस पाक के अंदर फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बावजूद सुमण वाला यानी एक बंदा है वो जब सुनते ना वजू करके सुनते है उन्हें बाप को नहीं नेत्र आवे ने वजू करते हैं लेकिन मुझे याद आते हैं तो भी वजू करके सुनते हैं इनकी शान देखो कितनी फरमाया बावजूद सुमण वाला आदमी में रोजा रख के इबादत करने वाला सुभान अल्लाह फिर वजू करके सोते अल्लाह ताला पसंद कितना है सवाब कितना दे दाते फरमाया ये बंदा है रोजेदार व रोजे दे विच इबादत करे दाते अल्लाह ताला रोजे दा ते इबादत दा इकट्ठे हो सवाब दा सुभान अल्लाह कितनी वजू दी बरकत रमजान शरीफ ये बुला पे इंसान को नमाज ही पढ़ते रहता कुरान शरीफ ही पढ़ते केरी करे से रमजान शरीफ दा अक्सर बंदे कोशिश करे ने बंदे देखिए गुजारो ਕਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾ ਹਜ਼ੂਰਾ ਪੜੇ ਵੀ ਨੇਕੀਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸੁ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਹੋਰੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋਰੋ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂਏ ਬਾ ਦਰੂ ਸ਼ਰੀਫ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤਸਬੀਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਕਾਰ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀ ਜਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਕੋ प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटा अनस ऐ बेटा अगर तुसा हमेशा बावजू रहमत की ताकत रखे दो ते बावजू रह करो यानी वजू एक रह करो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबो अली निशान बयान की तुसा जो बावजू रहा सोई ना फायदा क्या है फरमाया इनकी शान है फजीलत है कि बंदा अगर होवे वुजू दे विच मारा कुल मौत अरे सलाम अगर हुंदी रूह कब्ज करे से अल्लाह ताला हो को शहादत मर्तबा अता फरमा सुभान अल्लाह शहादत दर्जा अल्लाह ताला ऊपर अता फरमा करना क्या है वुजू कट वजे गुनाह दोबारा हो जाता है फायदा अपना ही माशाल्लाह आज भी है कोई बेशुमार बंदे इतनी फैमिली लखा तो ज्यादा बंदे ही वक्त या हम लोग लाए अच्छे से दावत इस्लाम की जमात की माहौल है हूं इतने के अलावा बे बेशुमार अक्सर बावजूद रजब शाबान रमजान के मुकम्मल रोजे रखना है और कोई कोई ये देखो नसीब है साल दे पांच दिन काटते बाकी पूरा साल मुड़ ही रोजे रखे सुभान अल्लाह इतने खुश नसीब हो अल्लाह ताला उन्हें भी नेक के दीजो सात का हिस्सा अल्लाह ताला पर सारे की अदा फरमा दे हमेशा बा वजू रखने मुस्तहब है बंदा कोशिश ही करे बा वजू रखे है की फरीदा अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना मूसा करीमुल्लाह अला नबी जीना वाली सलातो व सलाम को फरमाया ऐ मूसा अगर बेवजू होवन दी सूरत है तो आपको कोई तकलीफ आ पहुंचे कोई मुसीबत आ पहुंचे बल आपने आप को कियो मैं ना बोला शिकवा करी दे शिकायत ना करी दो यानी क्या मतलब इतना ही वजू की शान बयान की थी ये जो अगर तू सचा दो जो भी मुसीबत से बच बन अगर तू सचा दो परेशानी से बच बन अगर तू सचा दो जो अल्लाह ताला की रहमत दाले की नहीं पिलावे तो फरमाया वुजू च रहे करो रह के करो जेड़ा बंदा वुजू च होंदे मुसीबत होंदे नाल गिए होंदे सुभान अल्लाह और इमाम अहमद रजा खान अली रहमत और रहमान आप इच्छा पर मिले कि बाज आरे दीन बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला रहे इच्छा पर मिले जेड़ा हमेशा बावजू रहसे अल्लाह तबारक व तआला उसको सात फजीलत अता फरमाए सुभान अल्लाह सात हुकूक शान अते अजमत अता फरमाए केड़िया फरमाया पहली है कि मलाइका उनकी सोहबत रहमत करे से यानी फरिश्ते भी कोशिश करे से कि असई ही बंदे दे नाल रहो की दी ज़ियारत करो ही ना अलो ही ना कलाम करो सुभान अल्लाह जीने 27 लैलतुल कद्र की रात को जिब्रील अलैहि सलाम को जमीन के अंदर मुसलमान ने रब मुलाकात करे
तो ही तरह जेड़े बंदे बावजूद आसे फिरिश्ते उन्हें दिनार को कड़वा मार दी कोशिश करे थे तो जैन दी सोबत फिरिश्ते को फिरिश्ते की सोबत जैन बुले हुए थे और अल्लाह ताला की कितनी हुजूर के करम बहुत ही हो सुभान अल्लाह फिरिश्ते की सोबत हमरे पक हासे लेकिन अपन को फिरिश्ते की कदर कर बेशक ये उन किराम कातबीन थे जो फिरिश्ते ना बैठे हर वक्त जितना जो वाली ना है ते दुआ शुरू की डरने हूँ ना वो टेम्बर उठा डरना है अधीन पार करने उनके इलावा किस चीज़ को ना ले पाए और मैं बस हम तू एक हाथ नमाज ना पढ़ रहा हूँ ये वास्ते जब तू उस कुरान पढ़ दो ना फरिश्ते तो आने चप्पे दो दे आपने क्या प्राप्त को रापुरान सुन दे फरमाया ही वास्ते ये प्याज ते बसल कच्चे एक साला ने पक लेने को ठीक है कच्चे खाओ ना इन अलगों पैदा थी किए फरमाया एक खाते मस्ते देना हो नमाज ना पढ़ो जो फरिश्ते को तकलीफ की तो फरिश्ते देखो अल्लाह ताला की रहमत है आप इस सब बातें आ सकते हैं आपने नाम मेहरबानी कर सकते हैं लेकिन अपा ही वो जे बड़ो यानी कमी होता है अपा है अल्लाह ताला दे रहमत तो बेशुमार सुभान अल्लाह तो पहले नंबर ते मलाइका उनी सोबा ते रब करे सन जो असन ही बंदे रब अलम दीन अलकम दीन रुकुम नंबर 2 कलम मुदे नेक क्या लिख लेगा ये तो बाहुजू जो से एक तो ना नेक किए थे फरिश्ता नेक क्या लिख से इधर गाड़ी पेट्रोल को आज ना मुझे एक दफा वालो चल से भी चल से भी चल से भी चल से भी तो भाई आप ही जिन अमूल कार गिन सो बस नहीं क्या लगी से क्या लगी से क्या लगी से ये गाड़ी का पेट्रोल खत्म किसे तो रोक है दिए ये ने बोल रुपए खत्म किसे तो ले दे क्या लोग में से बड़ा बंदे भी आप ही मर्जी है तो बाग बोल रुपए कार गिने बाग देखा क्यों ठीक है और एक हदीस को आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए महराज अली बात पुलिस को में फरिश्ते सोने ते चांदी ते दीवारा पड़े थे एक सेल सोने की एक सेल चांदी की बड़े दिन बड़ा रोक में है बड़े दिन बड़ा कोई दे रोक में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दसाने वास्ते फरमाया फरिश्तों ये क्या मामला है सेल रखे दो बड़ा कोई देर तक चुप थी रहे बड़ा भी रखे दो आ कैसी दुनिया है जेरे बंदे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर जिक्र कर रहे ना बड़ा सा एक सेल रख रहे थे वो जो जिक्र बंद कर दे ना सही से रखन बंद कर दे लिहाजा जितना चीज सके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर दुरूद शरीफ कलमा शरीफ ये नेक वाला सिलसिला इतना जारी रखे इंशाल्लाह उठे ही आप रहे अल्लाह ताला की रहमत के नाल चीजा आपके वास्ते तैयार की दिया हुई दिल से अल्लाह की रहमत सोने नबी की शफाअत सुभान अल्लाह मत आ को अपना एक रमजान शरीफ ओके तो करो दे रख लो और आ को बात से नोट का पक्के जल्दी की पूरा साल बंदा नमाज ना पढ़े एक रमजान शरीफ ने का बोला चार दिन कर दे बोला आप को एक आदत पढ़वा दे वो नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो जिक्र करो चंगे काम करो ताकि आखरत वास्ते वाले आखरत वाले वास्ते आसान हो सुभान अल्लाह बस ये दुआ मांगी करो जो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमावे अपनी रहमत दे सके अता सुभान अल्लाह कोई ना के जो अल्लाह साहब को जन्नत दे दे इबादत दे सके इबादत का रास्ते की सक दिए मालिक की मर्जी है कबूल ना करे बेशक कुछ गिर में तू जो इबादत दमान करे ना की जेड़ी इबादत की तरह ही तेरा रोज ही सही कोना तेरा इखलास ही सही कोना वाला फरमाए रहमत अल्लाह ताला की रहमत मंगो अल्लाह ताला की रहमत सब के जन्नत एक बंदा उसे क्या मत आले की मुंदी उसे 400 साल की इबादत सुभान अल्लाह 400 साल की इबादत अल्लाह ताला इशारा फरमाए से मैंने फरिश्तों ही तो पूछो हां
वहीं को इबादत दे सत्य पक्ष है या विराम दे सत्य पक्ष है। तो हमदार तरह से आप वाले थोड़ा चाह सता इबादत की बेटा नहीं मजा के बंदे सुते पे होना मैं नमाज पढ़ता क्या होना बंदे कामे जो ना मैं नफिल पढ़ता हूं मैं ऐसी जिक्र करे ना हम तस्बीहां पढ़ता हूं अल्लाह ताला इरशाद फरमाए से भला दसा रहमत दे सत्य बख्शा ये तेरी इबादत दी वजह है भला आज जी में मेरी इबादत दी वजह है अल्लाह ताला और तेरी की दुआ पूछ रहा आज से इबादत दी वजह है अल्लाह ताला इरशाद फरमाए से चलो ठीक है तू आप इबादत मान की खड़ी और मैं और जरा तैनो हिसाब गेनी ना इतने इबादत की तौफीक कह दी है वाह तेरे से हमारे थोड़ा पूरी की अल्लाह ताला चाप में तब ठीक है ये आंख से को कहने की है आपसे हमारे थोड़ा आप भी की मैं नाक हाथ पे यही पास है नेकी करने की ताकत से कुवत कहने की बंदा आप तेरे से हमारे थोड़ा तू चलो अल्लाह ताला चाप में नहीं करे तू 400 साल की इबादत के कहने में तो पलड़े मैं अपने नेम से जो एक नेमत रखे ना एक पलड़े आंख वंदे गिंदु जो मेरे नेम से निकदर ज्यादा ये तेरी इबादत निकदर यार ओ सी एक आंख को भी रख दीजिए पलड़े एक पास 400 साल की इबादत 400 साल की इबादत होए घट आंख की जड़ी नेमत है वो ही ज्यादा अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया जानते हैं एक आंख का हिसाब है ਨਨੂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲ ਵੀ ਨੂ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂ ਹੈ ਪੇਰ ਨੂ ਹੈ ਵਲ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦੰਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋਂਦ ਹੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜਾ ਦਿਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੂੰ ਵਾਰਸ ਕਰੇ ਸੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਵਲਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਸਭ ਕੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਰਾਮਦ ਦੇ ਸਭ ਕੇ ਲਾਗ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਮੈਂ ਆਪੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਭ ਕੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋ ਸਿਰਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਤਮਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਹਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੇ ਹੂੰ ਤੈ ਤੋ ਲਾ ਦਿਓ ਮਰਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਰਹੇ ਵਨੇ ਨਾ